नमस्ते फ्रेंड, आज हम यहाँ पे सीखेंगे ट्रिक कैसे चुटकियों में दो डिजिट के कैलकुलेशन हम ओरली कर सकते हैं तो बिना टेबल लर्न किए हुए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो अभी इसमें क्या है कि ये दो डिजिट है, तो इसमें हम जो ट्रिक यूज करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर्स है कौन से बी और डी, सबसे पहले बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे हम ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मल्टीप्लीकेशन से जो नंबर आएगा वो हम यहां लिखेंगे। और उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, थर्ड वाली डिजिट, तो ए इंटू सी हम करेंगे और ए इंटू सी करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हम यहां पे लिखेंगे और इस तरह हमें ये आंसर मिल जाएगा विदाउट जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है उसको छोड़ के। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा मैंने, 2 × 4, 2 × 4 कितना होता है 8, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 8। अब दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा क्या है, अब हमें क्रॉस करना है तो 4 × 1 प्लस 3 × 2। अभी हमें पता है 4 × 1 कितना हो गया 4 और 3 × 2 क्या हो गया 6, तो 6 + 4 कितना हो गया 10। अब ये दो डिजिट आए तो इसका सिर्फ क्या लिखना है, 0, ये हमने 0 लिख दिया। अब एक बच गया कैरी, तो ये नेक्स्ट इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट इसमें आपको a इंटू सी, ये हो गया a और ये हो गया c, a इंटू सी मतलब क्या हो गया 1 × 3, कितना होता है 1 × 3 3। अब जो भी नंबर आया उसमें इसको हमने क्या कर दिया एड, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो अभी ये हो गया 4। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड से, 12 × 4 कितना होता है 48, तो ये 4 कैरी, 12 × 3 = 36 + 4 होता है 40, ये आ गया आंसर। क्लियर है, एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया बी इंटू डी, तो जो भी आएगा वो हम इधर लिखेंगे। उसके बाद हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी एडिशन करेंगे, जो नंबर आएगा वो यहां लेंगे। इसमें का अगर कोई नंबर बचता है तो हम उसको कैरी करके इस एडिशन में ऐड कर देंगे और फाइनली ए इंटू सी करेंगे, फिर उसको जो अगर इसमें से कैरी कुछ बचा तो उसमें ऐड करेंगे एंड यू गेट दिस कैलकुलेशन। अभी हम और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। चलो फिर से 2 × 4, 2 × 4 कितना हो गया 8, तो ये हमने लिख दिया। दूसरा अभी ये 3 × 4 कितना हो गया 12 प्लस 2 × 2 कितना हो गया 4, 12 + 4 कितना होता है 16, 16 में से 6 हमने लिख दिया, कैरी कितना बचा 1। अब 3 × 2 कितना होता है 6, 6 + 1 = 7। आप चेक करते जाना है ये कैलकुलेशंस। अब हम तीसरी ट्रिक देखते हैं, ये 4 × 5 कितना हो गया 20, 20 में से लिखा है यहाँ पे 0, बचे कितने 2। अब इसको ऐसे करना है, 3 × 5 कितना हो गया 15 प्लस 4 × 4 16, तो ये हो गया कितना 31 और ये 2 हमने इसमें ऐड कर दिया तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 33 में से हमने 3 लिखा, कैरी कितना बचा है 3, 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15, तो ये हो गया 1530। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये ट्रिक समझ गई होंगी। अभी एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा डायरेक्ट ये अभी 3 डिजिट का एग्जाम्पल है। 3 डिजिट में कैसा करेंगे, 3 डिजिट में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।